सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कंट्रीज टचिंग मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करें तो काफी सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीज। जैसे पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट सीज को अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट। मेडिटेरेनियन सी में ये आपका टायरिहेनियन सी है, ये आपने मार्क करना है, आयनियन सी है और ये आपका एड्रियाटिक सी है। तो ये जो तीन सीज हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यस अगेन इट इज द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी ही, लेकिन इसके अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं छोटे छोटे एरियाज के। तो ये पता हो कि टायरिहेनियन सी हल्का सा इटली के लेफ्ट साइड में है, आयनियन सी इटली के नीचे है हल्का सा राइट साइड में है, और इटली के बिल्कुल राइट में जो सी है दैट इज एड्रियाटिक सी। तो ये तीन सीज आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन अभी आता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। तो आपको पता हो आपने सारी याद करनी है, आप याद करेंगे उन्हें कॉन्टिनेंट वाइज। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे तो हमें जल्दी याद रहेंगे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितनी भी इंपॉर्टेंट इसमें आपकी सिटीज हैं कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस हो गया, स्पेन, पोर्चुगल नहीं लगता क्योंकि पोर्चुगल हल्का सा इस साइड है। मैं बताती रहूंगी कौन सी सिटी लग सकती थी बट नहीं लग रही है। तो पोर्चुगल नहीं है कंट्री, स्पेन लग रहा है, फ्रांस लग रहा है, इटली तो है ये एड्रियाटिक सी के बिल्कुल टच होता हुआ। ये सारे के सारे आपकी ये कंट्रीज जो कि हम कहते हैं बाल्कन नेशंस, ये हैं आपके बाल्कन नेशंस। स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया और ग्रीस, ये जो आपकी छह कंट्रीज हैं ये हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज। ये छह, ये सात, ये आठ और ये नौ। तो ये जो नौ कंट्रीज हैं ये टच करती हैं मेडिटेरेनियन सी को। आपने इसे याद करना है, इसमें आपका कोई जर्मनी नहीं है इन्वॉल्व, जर्मनी डज नॉट टच, और ऊपर जितनी पोलैंड वगैरह सारी कंट्रीज रहेगी वो इसको टच नहीं करती। आपको बस ये बाल्कन नेशंस पता हो, स्लोवेनिया इनकी कैपिटल पता हो, क्रोएशिया ज़ैग्रेब कैपिटल, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, पॉडगोरिका, अल्बेनिया, ग्रीस, एथेंस, तो सिटीज के साथ साथ कंट्रीज के साथ आपने जो कैपिटल सिटीज हैं वो भी याद रखनी है। तो यूरोपियन में तो ये सिटीज इसमें, ये कंट्रीज इसमें टच करती हैं। अगर आप एशिया की बात करोगे तो इसको आप याद कर सकते हो सिल्ट से। सिल्ट में एस से है सीरिया, फिर है इजराइल, लेबनन और टर्की, ये चार कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, टर्की, सीरिया, लेबनन और इजराइल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ हम कर रहे हैं मिस, जिसमें हम साइप्रस की बात करते हैं। देखो साइप्रस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, साइप्रस एक अलग से कंट्री है, ये भी मेडिटेरेनियन सी के विदिन ही प्रेजेंट है ये, और साथ में एक कंट्री है इसमें माल्टा जो आपको हल्का सा इस साइड मिलेगा इटली के आसपास, ये है आपका माल्टा कंट्री, ये भी आपका मेडिटेरेनियन सी के अंडर ही लाया करता है। तो सिर्फ दो ऐसी कैपिटल, दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं, माल्टा और साइप्रस। एशिया में हम लोगों ने देख लिया सिल्ट है, सीरिया, इजराइल, लेबनन और टर्की, और फिर रहता है आपका ये अफ्रीका। अफ्रीका में स्टार्टिंग फ्रॉम मोरक्को टू अल्जीरिया टू ट्यूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये आपने याद रखने हैं। अफ्रीका तो वैसे ही हम लोग डिटेल में भी करने वाले हैं, बस हल्का सा पता हो कि जो इजिप्ट है वो बिल्कुल नॉर्थ में है, लीबिया नॉर्थ में है, ट्यूनिशिया नॉर्थ में है, अल्जीरिया और मोरक्को जो है वो बिल्कुल टॉप पर है। तो आपने मेडिटेरेनियन सी के कंट्रीज मार्क करने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट सीज हैं वो बहुत ईजी हैं याद करने, ये हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा। इसको याद करने का तरीका ही ये है कि आप इनको कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर लेना है, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन और साथ में वो कंट्रीज जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक बात है। उसके बाद हम करेंगे इसमें डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप, यूरोप की वाटर बॉडीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपने मार्क करनी है, जिसमें से हम कुछ मार्क कर भी चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ बोथनिया हमने देख लिया था, आपका फिनलैंड, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। फिर आपका वाइट सी, देखो वाइट सी पूरा का पूरा रशिया के विदिन है, कोई और कंट्री नहीं है इसमें, ये आपने मार्क करना है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये आपका रशिया और फिनलैंड के बीच में है, ये आपने मार्क करना है। नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, ये आप मार्क करेंगे। नॉर्थ सी में पता ही है हमने मार्क किया है, राइन रिवर आकर गिरती है इसमें। इंग्लिश चैनल हम लोगों ने मार्क कर लिया था, स्ट्रेट ऑफ डोवर हम लोगों ने मार्क कर ली थी,
ये सारे। फिर हम लोगों ने बात करनी है इसमें बे ऑफ बिस्के की, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ये स्पेन वाला एरिया है, फ्रांस वाला एरिया है, इसके बिल्कुल साइड में आपको ये बे ऑफ बिस्के इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए ये। फिर हम लोगों ने इसमें मार्क करना है एड्रियाटिक सी, ये हम कर ही चुके हैं, टायरियन हम कर चुके हैं, आयनियन सी हम कर चुके हैं, एजियन सी भी इंपॉर्टेंट है इसमें, एजियन सी, टायरियन, आयनियन और एजियन सी। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टायरियन टू आयनियन टू एजियन, ये पता हो। फिर आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज भी हम करेंगे अभी। ब्लैक सी के बिल्कुल साथ में एक सी है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव, अजोव सी भी आप इसको बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी वाटर बॉडीज हैं जो आपने मार्क करनी है। और यस अगेन मेडिटेरेनियन सी तो हम लोग मार्क कर ही चुके हैं। अब अगर हम एक एक करके करें इसको, फॉर एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बाल्टिक सी जो हम लोगों ने बाल्टिक सी मार्क किया है यहाँ पर, ये रहा, ये है आपका बाल्टिक सी। अब आपको हल्का सा आइडिया हो कि जो बाल्टिक सी है वो आपका गल्फ ऑफ बोथनिया से नीचे है और आपका मेडिटेरेनियन सी से काफ़ी ऊपर है, और ये हल्का सा राइट साइड में जाता है जहाँ पर आपके सेटेलाइट स्टेट्स आ जाते हैं, जो ये लिथुआनिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया है ना। तो आपको बस हल्का सा इसके लोकेशन के बारे में पता हो, लेकिन बाल्टिक सी को टच करने वाली कंट्रीज हैं कौन कौन सी ये भी आपको पता हो। ठीक है, तो एक तो ये हम लोगों ने मार्क करनी है इसमें बाल्टिक सी को टच करने वाली कंट्रीज, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जो डेल का लैपटॉप है उसमें जीपीएस होना इज आर फंडामेंटल राइट, ये निमोनिक है बाल्टिक सी का। मेटेन में कंट्रीज थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने कोई निमोनिक उसका नहीं बनाया था, हमने बस लोकेशन वाइज याद किया था, लेकिन इसमें हम बना सकते हैं डेल के लैपटॉप में जीपीएस होना इज आर फंडामेंटल राइट, ये बाल्टिक सी है। अगर हम बात करें डेल में डी से क्या है, इट इज़ डेनमार्क, ई से है आपका एस्टोनिया, एल से है लाटविया, एल से है लिथुआनिया, ये हम मार्क कर लेंगे इसमें। फिर आता है इसमें जी से, जी से है जर्मनी, पी से है पोलैंड, एस से है स्वीडन, ये आपने मार्क करना है, और एफ आर फंडामेंटल राइट में एफ से है आपका फिनलैंड और आर से है आपका रशिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करने हैं, कर सकते हैं हम इन्हें मार्क। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सारे कंट्रीज हैं जो टच करते हैं आपके इसको बाल्टिक सी को, तो ये अपने को क्लैरिटी रखनी है। दूसरा हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट की, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में टच करा दिया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी हम करेंगे, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है बाल्टिक सी वाला, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, या आप इसको यहाँ से एक बार रिवाइज भी कर लेना। फिर बात करते हैं आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, देखो ये तो थी आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है, मोरक्को आपका अफ्रीका में था, अफ्रीका का मोरक्को वॉज दी कंट्री जो कि टच करा था मेडिटेरेनियन सी को, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया और आपका इजिप्ट, ये सारी चार पांच छह कंट्रीज थी अफ्रीका वाली। मोरक्को है अफ्रीका में, स्पेन है आपका यूरोप में, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट को मीट करवाती है विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दो जो वाटर बॉडीज हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। तो आपको लैंड बॉडीज भी पता होनी चाहिए और जो वाटर बॉडीज है वो पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो हमने देखी ली थी नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस की, देखो इसको करने से पहले हमें ये जो डायग्राम है वो पता हो, ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका सी ऑफ मरमरा और ये है आपका एजियन सी जो कि पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का। जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के साथ जो ये सी ऑफ मरमरा है, इससे हल्की सी ये वाटर बॉडी कनेक्ट होती है जिसका नाम है बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये आपने ध्यान रखना है। सी ऑफ मरमरा से जो मेडिटेरेनियन सी है वो भी हल्के से वाटर बॉडी से कनेक्टेड है जिसका नाम है डार्डनल्स, द स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल, सी ऑफ मरमरा, बॉस्पोरस स्ट्रेट और ब्लैक सी, इनको अरेंज करो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको पता हो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ सी ऑफ मरमरा आपने याद रखना है, यहाँ पर आपका डार्डनल्स की स्ट्रेट है और यहाँ पर आपकी जो है वो बॉस्पोरस स्ट्रेट है बिटवीन ब्लैक सी एंड आपका सी ऑफ मरमरा।
सी ऑफ मनबर आपका टर्की वाले एरिया के आसपास है, काफी फेमस है वाला एरिया है ये। तो एक तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस हम लोगों ने देख ली, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को टच करती है टर्की को, टर्की के बीच में है बेसिकली, टर्की का जो एशिया वाला पार्ट है उसको ये अलग करती है विद टर्की का यूरोप वाला पार्ट, तो इसके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखेंगे इसका। फिर आती है अगेन इस्तांबुल जो इसी स्ट्रेट के ऊपर है, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट सिटी है, स्ट्रेट होती है बेसिकली ट्रेड करने के लिए, जितनी ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस होगा, तो इस्तांबुल वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट की ओर बसा हुआ है। बे ऑफ बिस्के हमने देखी थी बिल्कुल लेफ्ट साइड में थी, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के पास में, सबसे वेस्टर्न मोस्ट हमने बे ऑफ बिस्के देखी। फिर हम बात करते हैं ब्लैक सी की, ब्लैक सी को टच करने वाले कई कंट्रीज हैं जिनको हम याद करते हैं विद द निमोनिक टी बर्गर, बर्गर में बस जी ई आर नहीं है बाकी टी बर्गर है। ये जो ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज हैं जिसमें आता है आपका टी से टर्की, बी से बुल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमेनिया, जी से ग्रीस, जी से जॉर्जिया और आर से रशिया। अगर हम मैप देखें तो मैप आपको ये देखने को मिल जाएगा, ब्लैक सी को टच कर रही हैं कंट्रीज रोमेनिया, जैसे हमने टी बर्गर बोला था ना इसका कैपिटल और इसका निमोनिक, टी बर्गर, टी से है आपका टर्की, बी से है बुल्गेरिया, यू से है यूक्रेन, इस साइड है आपका रशिया वाली साइड, यहाँ पर यूक्रेन जो क्रीमिया पेनिनसुला वाला एरिया है ये रहा यूक्रेन, आर से है रोमेनिया, जी से है जॉर्जिया, जी से जर्मनी नहीं है, जर्मनी बहुत लेफ्ट में रह गया है, ये हम बहुत इस साइड आ गए हैं यूरोप वाले ईस्टर्न मोस्ट पर, ठीक, और एक तो यूक्रेन और लास्ट में आर से है आपका रशिया, कर सकते हैं हम इन्हें मार्क। और ये है आपका इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में भी हल्की सी स्ट्रेट है, हमने अजोव सी देखा था ना, तो ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये है पूरा ब्लैक सी, ये है आपका सी ऑफ अजोव, यहाँ पर होता है ट्रेड दोनों एरियाज में, दोनों वाटर बॉडीज के बीच में थ्रू दिस स्ट्रेट। तो ये सारे के सारे जो है, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन सी से लेकर आता है पहले स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करवाता है विद सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा फिर आगे है बोस्पोरस स्ट्रेट, उसको टच होता है ब्लैक सी, ब्लैक सी के आगे फिर अजोव सी, इन दोनों के बीच में है कर्च स्ट्रेट। ये आपने ऐसे ही याद रखना है, अपने कॉपीज में एक बार बनाकर भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट जगह हैं पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर की, इसके रिसोर्सेज की, यूरोप में डिफरेंट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, विटीकल्चर के लिए फेमस है यूरोप, जिसमें काफी ज्यादा वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज भी आपको फ्रांस स्पेन वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगी, वीट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, विटीकल्चर भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, विटीकल्चर जो ग्रेप्स वाला कल्चर होता है जिससे वाइन बनती है, इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो वीट वगैरह बना रही है, जिसमें पेरिस आ जाता है, हंगरी वाला एरिया, बुडापेस्ट वाला एरिया, पो वैली इन इटली, ये सारे के सारे एरियाज में वीट काफ़ी ज़्यादा उग जाता है क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा न ज़्यादा है न बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी तरीके से आपको पता हो वीट के बारे में। फ्रूट ऑर्किड्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर हम ये बेरीज की बात करते हैं, ऑरेंजेस हो गए, बेरीज हो गए, ऑलिव्स हो गए, ये सब काफ़ी मात्रा आपको देखने को मिल जाएंगे, बेरीज, ऑरेंजेस एंड ऑलिव्स, ये सारे जो इम्पोर्टेंट, ग्रेप्स अगेन काफ़ी मात्रा में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। विटीकल्चर हमने देख लिया कि जो वाइन मेकिंग, वाइन और वाइन को बनाने के और वाइन को कंज्यूम करने के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं यहाँ पर लाई करती हैं, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो फिशिंग है वो भी इसमें काफ़ी फेमस है, फिशिंग यहाँ पर एक बैंक है जिसको हम कह रहे हैं ग्रैंड बैंक, जहाँ पर लेब्राडोर करंट जो कोल्ड करंट है वो और गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है वो आकर मिल रहा है, वहाँ पर आपको ये न्यूफाउंडलैंड के पास जो है देखने को मिल जाएगा ग्रैंड बैंक, जो हल्का सा यूके के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। हमने जब नॉर्थ अमेरिका गया था तब मैंने आपको बताया था कि लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, न्यूफाउंडलैंड में हम लोगों ने देखा था, है ना, तो ये यूके के हल्का सा इस साइड वाले एरिया की हम बात करते हैं, तो ग्रैंड बैंक है यहाँ पर, और सारे जो बैंक्स है वो नॉर्थ सी में लाए देखने को मिलेंगे आपको, नॉर्थ सी में इंपॉर्टेंट है, देखो डॉगर बैंक, पेपर में क्वेश्चन आता डॉगर बैंक इज इन विच सी, तो इट इज़ इन नॉर्थ सी। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है इसमें ये सारे सदरन रिवर चैनल, लेमन और ओवर बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन बैंक है,
तो लेमन और ओवर बैंक, ब्राउन बैंक और डॉगर बैंक और ग्रैंड बैंक, ये चार बैंक्स आपको पता हूँ। जो वो वाला है आपका ग्रैंड बैंक, वो है आपका अटलांटिक ओशन में, ये वाला है आपका अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, बट वो नॉर्थ सी कई बार आ जाता, तो वो भी ध्यान रख लेना एक बार।